राम राम सर, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रघु राही और आज हम कर रहे हैं हमारे मिट्टी के घर की शुरुआत। वाह क्या बात है, ये हो गई हमारे नींव की शुरुआत ओम सिंह राठौड़ के हाथ। राजस्थान में एक नींव की शुरुआत यानी कि फाउंडेशन की शुरुआत सबसे ज़रूरी मानी जाती है और इस शुभ कार्य के दिन पूजा करके ही शुरू करते हैं। इस कार्य में 5 स्टोन्स की पूजा करके उसे नींव में रखा जाता है और फिर होता है फाउंडेशन का काम शुरू। तो आज है 15 दिसंबर 2021 और अर्थ बैग होम की शुरुआत आज हो रही है। फाउंडेशन खुद रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के भाषा में इसको नींव बोलते हैं। तो यहाँ पे नींव की खुदाई चल रही है 2 फुट बाय 2 फुट और नींव खोदने वाले हमारे दो खास आदमी, एक ये है राम सिंह मंगरा सर राठौड़ राम सिंह राठौड़ मंगरा सर गाँव से, और ये है ओम बिड्डा सर मंगरा, ये भी मंगरा सर गाँव से। तो ये इनका आज ये दावा है कि आज के दिन में ये खोद के इसको भाटे से भर देंगे। चार आदमी का काम है ये दो आदमी मिल के कर देंगे आज। और ये है राजपूत और जाट की जोड़ी, थोड़ा बहुत हाथ मैं भी लगा दूंगा, ज्यादा तो कौन वे जतो भाई आइए वीडियो उठाने अंदर गाने गाएगा। और आ है राम सिंह की बेटी पूजा राठौड़। हम अर्थ बैग बिल्डिंग यानी कि मिट्टी और कट्टे के मकान के लिए 2 फुट बाय 2 फुट का फाउंडेशन यानी कि नींव यानी कि बुनियाद खोदेंगे। नींव जितनी चौड़ी और गहरी होगी उतना ही हमारा मकान मजबूत होगा। सीमेंट बैग्स यानी कि कट्टे जब हम मिट्टी से भरेंगे और उन्हें पीट पीट के जमाएंगे तब वो 15 से 16 इंच के हो जाएंगे। तो हमारी जो बुनियाद है वो उससे थोड़ी और चौड़ी होनी चाहिए, इसलिए हम इसे 2 फुट चौड़ा रखेंगे। तो ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है, ये लोकली सोर्स्ड है। यहाँ पास में ही एक तालाब है, ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होगा। वहाँ से खुद के ये लोकली सोर्स्ड स्टोन्स लाए हैं। इसको रोडो बोलते हैं, रोडा भाटा बोलते हैं। सो ये इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ लोकली सोर्स्ड, नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी गुड फॉर योर फाउंडेशन। तो ये 20 किलोमीटर यहाँ पे एक शहर है निम्बी, वहाँ से लाया गया है और इसको खंडा बोलते हैं। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा दूर है 20 किलोमीटर, तो आने जाने में जो ट्रैक्टर का या ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा है वो ज़्यादा लगता है, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू वो स्टोन को। वैसे दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी है, ये फाउंडेशन के लिए और प्लिंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला भी फाउंडेशन एंड प्लिंथ के यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग फ़िलहाल ये वाला यूज़ कर रहे हैं, सबसे मजबूत है। और ये हम लोग फाउंडेशन के लिए यूज़ करेंगे, और जब प्लिंथ बनाने की बारी आएगी, आसार बनाने की बारी आएगी, तो हम लोग ये वाला पत्थर यूज़ करेंगे आसार बनाने के लिए। अब इससे भी फाउंडेशन कर सकते हैं, इससे भी आसार बना सकते हैं, और सेम अप्लाइज टू दिस, इससे भी फाउंडेशन और आसार बना सकते हैं। फाउंडेशन यानी कि नींव यानी कि बुनियाद खोदने के बाद इसमें हमने मजबूत स्टोन्स डाले हैं। यह है रोडा स्टोन। गांव के लोग इसे बहुत ही मजबूत और टिकाऊ मानते हैं और सदियों से इसी पत्थर का इस्तेमाल अपने नींव के लिए करते आए हैं।
इसीलिए मैंने भी हमारे अर्थ बैग होम के लिए यही स्टोन चुना है। और ये जो कमरा बन रहा है ये है 13x17 का, जिसको आज हम सुबह 10-11 बजे लगे थे और अभी मेरे हिसाब से 3 बज रहे हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के अंदर इसका पूरा का पूरा जो फाउंडेशन का डिगिंग था, जो खोदना था, वो हम लोगों ने इतने देर में कर दिया। अभी इसमें 2 फुट खड्डा करने के बाद में इसके अंदर ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स को फाउंडेशन के लिए डाला जाता है, ताकि जो फाउंडेशन वो मजबूत रहे, एंड जो ये गैप होता है पत्थरों के बीच में, उसके अंदर ये ऐसे छोटे छोटे वाले स्टोन्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, ये डालते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए, ताकि यहाँ पे गैप ना रहे और ये पूरा अच्छे से ऐसे फिलअप हो जाए। एक बार जब नींव में सारे पत्थर जम जाते हैं, उसके बाद उसमें रेत डाली जाती है, ताकि रेत जो है सारे गैप्स को भर दे। तो पहले खोदा, फिर उसमें पत्थर डाले और फिर उसको वापस से बूर दिया, ऐसे ते कहेंगे वो खोदो और बूरो, पासा बोल लो थे खोदो और बूरो। हाँ, पहले खोदो और बाद में बूरो, पता बूरो। रेत भरने के बाद सारे स्टोन्स को अच्छे से जमाने के लिए उन्हें पीटा जाता है और फिर नींव में पानी छोड़ दिया जाता है। नींव में पानी डालने के वजह से रेत सारे कोनों में अच्छे से बैठ जाती है। जमीन से 6 इंच नीचे आने तक यही प्रोसीजर रिपीट करते हैं, यानी कि स्टोन्स डालो, रेत से फिलअप करो, पीटो और उसमें पानी छोड़ दो, फिर आपका फाउंडेशन प्लिंथ यानि के ठोकर यानि के असार बनाने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमारा फाउंडेशन रेडी है, अब नेक्स्ट हम बनाएंगे ठोकर यानि के प्लिंथ, जिसके ऊपर बनेगी हमारी अर्थ बैक वॉल यानि के कट्टे और मिट्टी की दीवार। तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए।